Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to Cricbuzz's YouTube channel and press that bell icon now. 58 रनों की बढ़त है भारत के पास, लेकिन आज जब मुश्किल वक्त था, सबसे मुश्किल वक्त में अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा एकदम सख्ती से खड़े रहे। शायद इसी को अनुभव कहते हैं, जहां पर स्किल शायद आप थोड़ा बैक बर्नर पे रख देते हैं, यहां अनुभव था, पूरा अनुभव दिखाया उन्होंने आज। बिल्कुल दिखाया, इसमें कोई दोराय नहीं, और जो खराब गेंदबाजी हुई ना उसका पूरा फायदा उठाया। देखिए, एक मंशा साफ जाहिर करी हुई थी चेतेश्वर पुजारा ने कि आप थोड़े सकारात्मक और सकारात्मक रवैया, आक्रामक रवैया आप कह लीजिए कि अपनाएंगे, और ऐसा नहीं है। देखिए, जो सबसे अच्छी चीज उनकी बल्लेबाजी में क्या, इसी को आप एक्सपीरियंस कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आक्रामक सोच रखी है तो आप, जो चेतेश्वर पुजारा का गेम नहीं है कि 5/30 पे गेंदें गिर रही है और आप वहां से खींच खींच के ड्राइव मारने का प्रयास कर रहे हैं, या मारने वाली बिल्कुल गेंदें हैं नहीं। अक्सर क्या होता है, जब देखिए बल्लेबाजी में ना, जब एक जोन की आप बात करते हैं, जैसे केएल राहुल की हम बात कर रहे हैं, टेम्पलेट की एक जोन की, क्या उन्होंने अपने हाथ पास रखे हुए, सोचा है कि मैं पहले सेट होऊंगा, खराब गेंदें मिलेंगी फिर मैं मारूंगा, एक पहले अलग सोच होती थी। चेतेश्वर पुजारा के साथ भी ऐसे होता है, कई बार जब आप देखते हैं आपको लगता है बिल्कुल हाफ वॉली थी, उन्होंने रोक दी, तो वो उनका खेल है। पर आज वैसा उन्होंने किया, उस हाफ वॉली को जो मिली है उसको और पुश कर दिया थोड़ा, जो अक्सर आप देखते नहीं है कि अब ये पिच इस प्रकार की है कि जब भी मेरे को कोई थोड़ा भी मौका मिलेगा ना, मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा, वो उन्होंने सोच रखी। अगर आप केशव महाराज की गेंदबाजी भी देखें आखिरी ओवर, जो जिस तरीके से बैकफुट से कट मारा, एक दो बार स्टेप आउट भी किया, तो साफ दर्श दिख रहा था टीवी पे, साफ देखते हुए पता लग रहा है आपको जब आप मुकाबला देख रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि क्या मानसिकता उन्होंने रखी। और अजिंक्य रहाणे ने भी भली भांति साथ दिया, हम बार बार एक्सपीरियंस की बात करते हैं ना, और अच्छा लगता है। देखिए, दोनों के दोनों बड़े दबाव में थे, रनों की आवश्यकता है भारतीय टीम को भी और इन दोनों वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी। तो मैं तो कहूंगा कि जहां पर आज ये खेल खत्म हुआ है ना, कि साउथ अफ्रीका, जो हम टीवी पे चर्चा कर रहे थे ना कि शायद साउथ अफ्रीका खुश होके जाएगी कि लीड है 11 रन की, 3 विकेट हाथ में है, अगर 20-25 की लीड और ले ले तो साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी है चीज है, वो वहां तक तो पहुंच गए। पर जो दो सलामी जोड़ी, दो आपने विकेट जल्दी प्राप्त किए, उसका आपने पूरा बाद में जाते जाते जो फायदा है ना वो सारा खो दिया, क्योंकि आप भारत 58 रन से आगे हैं और दो वरिष्ठ खिलाड़ी खड़े हैं, तो आज जाते हुए जरूर निराश होगी, पर क्रेडिट में कहूंगा कि चेतेश्वर पुजारा जिस तरीके से खेल दिखा। बिल्कुल, उतने 35 रनों में 7 बाउंड्रीज लगा चुके हैं वो, मेरे को लगता है ग्राउंड पर कई साउथ अफ्रीकी फील्डर्स खिलाड़ी ऐसे रहेंगे, उन्होंने एकदम से स्कोरबोर्ड देखा, उन्होंने कहा अरे 58 रनों की बढ़त हो गई, क्योंकि कुछ उसी तेजी से गया ये गेम। और आशीष, आपने कल भी ये बात कही थी, आप चाहते थे कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अगर इनमें भरोसा दिखाया है, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे में, तो इनको खिलाते रहें पूरी श्रृंखला। आज आपने कहा कि पॉजिटिव इंटेंट देखना चाहेंगे आप भारतीय बल्लेबाजों से, मेरे को लगता है सुन रहे हैं वो क्रिकबस चैटर वा इंडियन ड्रेसिंग रूम में, दोनों ही चीजें होंगी। देखिए, पॉजिटिव इंटेंट हमने चर्चा करी कि खासतौर पर जो खिलाड़ी, जैसे सोचिए रविचंद्रन अश्विन है कि गेंदबाज पहले हैं, बल्लेबाज बाद में, तो दबाव कम होता है। ऋषभ पंत है, उनको एक अलग लाइसेंस है। या मयंक अग्रवाल का अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं कि उनको जब भी थोड़ी खराब गेंद मिल रही है ना, तो आपको दिख रहा है, अगर केएल राहुल और उनमें फर्क आप देखेंगे तो मयंक अग्रवाल ना ज्यादा शुरू में अग्रेसिव दिख रहे हैं, पर उस पारी को बढ़ा नहीं पा रहे। क्यों? कई बार क्या होता है कि आपके ना रन तो लगे होते हैं बोर्ड पे, पर आपने गेंदें उतनी नहीं खेली होती, तो आप उतने सेट नहीं होते। ये टेस्ट क्रिकेट में चर्चा चलती रहती है। खैर, यहाँ पर तो पिच भी एक अलग तरीके की है, पर मयंक अग्रवाल आज अगर आप देखेंगे, लाइन उन्होंने गलत पड़ी, पर उससे पहले जितनी देर बल्लेबाजी कर रहे थे, कड़ाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। जब आप इस तरीके की मंशा रखते हैं तो आप विकेट भी खो सकते हैं, तो उन खिलाड़ियों से तो ठीक है, पर जो हमने चेतेश्वर पुजारा की चर्चा करी थी, देखने वाली बात होगी उनका क्या रवैया या उनकी क्या सोच है, उन्होंने वो सोच आपको दर्शा दी है।